राजस्थान में ऐसे भी नेता हैं जिन्हें सरकार की दी हुई सेवाओं का लाभ नहीं लेना। जहां एक तरफ नेता सरकारी गाड़ी गनमैन एक्सकॉर्ट लेने के लिए तरह तरह के जत्न करते हैं, वहीं भजनलाल सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने इन चीजों को लेने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने मंत्री बनने के बाद मिली सरकारी गाड़ी और पीएसओ यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर को भी लौटा दिया है। क्षेत्र में पुलिस एस्कॉर्ट लेने से भी साफ मना कर दिया है। उनका कहना था कि हमें जनता से चुनकर विधानसभा भेजा गया है, हमें काहे का डर, मुझे किसी तरह का कोई डर नहीं है। मंत्री संजय शर्मा बिना किसी तामझाम के सचिवालय से लेकर विभाग के दौरे करते हैं। वे अपनी पर्सनल कार से ही सचिवालय आते हैं। अगर उन्हें फील्ड में जाना होता है तो भी वे अपनी पर्सनल कार से ही जाते हैं। संजय शर्मा ने 17 जनवरी को भजनलाल सरकार में मंत्री पद संभाला था। इसके बाद उन्हें सरकारी गाड़ी व पीएसओ मिला था, जिसे उन्होंने 4 फरवरी को सरकार को लौटा भी दिया था। संजय शर्मा वो विधायक हैं जिन्हें दोहरी जिम्मेदारी सरकार ने सौंपी है। जी हां, संजय शर्मा अलवर शहर से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। साल 2018 में जब वो पहली बार विधायक बने थे, वे प्रदेश के 200 में से उन चुनिंदा विधायकों में से शामिल थे जिन्होंने सुरक्षा के लिए गनमैन नहीं लिया था। वहीं साल 2018 से 2023 के कार्यकाल में 200 में से केवल 6 विधायक ऐसे थे जिन्होंने पुलिस का गनमैन नहीं लिया था। इन विधायकों में शामिल थे संजय शर्मा, सिद्धि कुमारी, राजेंद्र पारिक, ज्ञानचंद पारक, सुखवीर सिंह और भरत सिंह कुंदनपुर शामिल थे। उस समय भी संजय शर्मा ने कहा था कि हमें जनता ने चुनकर विधानसभा में भेजा है, हमें काहे का डर, मुझे किसी तरह का कोई डर नहीं है। सीएम भजनलाल शर्मा की कैबिनेट में अभी उनके समेत 24 मंत्री हैं, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा को अलग अलग श्रेणियों में सुरक्षा मिली हुई है। वहीं कई मंत्रियों को भी अतिरिक्त सुरक्षा और एस्कॉर्ट मिला हुआ है। इसके अलावा अन्य सभी मंत्रियों को सरकारी बंगला, गाड़ी और सुरक्षा कर्मी मिले हुए हैं। लेकिन अब मंत्री संजय शर्मा के इस कदम के बाद कई अन्य मंत्रियों पर भी इसका नैतिक दबाव देखने को मिलता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ ही रहे हैं। पीएम मोदी ने ही देश में लाल बत्ती के कल्चर को खत्म कर दिया था। वहीं संजय शर्मा इतना ही नहीं, मंत्री बनने के बाद से अपनी कार्यशैली से लोगों को काफी प्रभावित भी करते हैं। वन एवं पर्यावरण विभाग का जिम्मा संभालने के बाद से ही वो रोज एक पौधा भी लगाते हैं, वहीं उसकी सुरक्षा और सार संभाल की व्यवस्था भी करते हैं। उन्हें मंत्री पद संभाले हुए अभी 25 दिन भी नहीं हुए हैं, वहीं अब वे अब तक 25 पौधे भी लगा चुके हैं। मंत्री बनने के बाद उन्होंने पहला पौधा सचिवालय प्रांगण में ही लगाया था। इसके बाद से ही जहां भी वो रहते हैं वहां एक पौधा जरूर लगाते हैं। उनका कहना है कि जब वे इस पद पर रहेंगे तब तक इस क्रम उनका लगातार जारी रहेगा। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने मलमास खत्म होने के बाद 17 जनवरी को सचिवालय में कार्यभार रिपीट वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने मलमास खत्म होने के बाद 17 जनवरी को सचिवालय में कार्यभार ग्रहण किया था। इस दौरान संजय शर्मा ने विधि विधान से पूजा कर अपनी मां तारा शर्मा को सबसे पहले कुर्सी पर बैठाया था और मंत्री पद भी संभाला था। पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा था कि राजस्थान के वन और पर्यावरण की सुरक्षा करना मेरी पहली प्राथमिकता है, ताकि राजस्थान के पर्यटन का विकास हो और ज्यादा से ज्यादा पर्यटक राजस्थान में आए। संजय शर्मा अपने काम को उच्चतम स्थान देते हुए अपने कार्य को पूर्ण रूप से कर रहे हैं। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल राजस्थान चौक के साथ। नमस्कार।